बढ़ेंगे आगे टोंक से लेंगे अगली खबर। राजस्थान में मिशन 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। सियासी घमासान के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इन सबके बीच भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रभुलाल सैनी ने भाजपा के गुटबाजी से लेकर सीएम चेहरे को लेकर काफी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि भाजपा में चेहरा कोई नहीं होता है, सिर्फ कमल का निशान ही सब कुछ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के तीखे बयानों पर भी पलटवार किया है और कहा है कि लाल डायरी का जिन बाहर आना चाहिए। राजस्थान की भाजपा में टीम सीपी जोशी लॉन्च हुई और उस लॉन्चिंग में टोंक जिले के प्रभुलाल सैनी पूर्व भाजपा सरकार के कृषि मंत्री रहे, हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आने वाले साल 2023 के चुनाव को लेकर किस तरह से टीम सीपी जोशी काम करने वाली है और किस तरह से प्रभुलाल सैनी की रणनीति बनाई जाने वाली है। सर, किस तरह देख रहे हो साल 2023? देखिए, विधानसभा के चुनाव होंगे, सबसे पहले तो बहुत सौभाग्यशाली है राजस्थान के लोग कि जब जब भी हमको प्रदेशाध्यक्ष मिले वो वास्तव में अनुभवी लोगों को पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष बनाए। लगातार कांग्रेस एक बात दोहराती है कि राजस्थान की भाजपा में सीएम चेहरे लगता है। देखिए, हमारा सीएम पेश होगा कमल का निशान। पहले हमारा काम है कि 2/3 मेजोरिटी से हम लोग जीत के जाए और जीतने के बाद में जब यहाँ का हमारा विधायक दल बैठेगा, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा और बहुत अनुभवी अच्छे लोगों चेहरा बनाकर राजस्थान में भेजेंगे ताकि हमारा 2035 से लेकर आगे तक भारतीय जनता पार्टी लगातार कंटिन्यूटी हम शासन में रहना चाहते हैं। इसलिए ये कोई इश्यू नहीं, किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है शीर्ष नेतृत्व पर। तो क्या बीजेपी जो तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं रीट को लेकर या दूसरे तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर क्या मैदान में उतरेगी, जीत पाएगी, सरकार बनेगी? देखिए, हम तो उतर चुके हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। हमारा कार्यक्रम पूरे देश पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये थे डॉक्टर प्रभुलाल सैनी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है उन दावों के विरोध में जो अभियान चलाया है बीजेपी ने, उसका जो महाआक्रोश जयपुर में 1 तारीख को होने वाला है, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में होंगे। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। इस बीच एक बड़ी खबर की बात करेंगे।